मैं हूं मेघा वर्मा। ग्लोबल नाउ 24x7 में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र वर्मा, दिल्ली प्रेसिडेंट विनोद भारती और प्रकाश ने वेस्ट दिल्ली कैंडिडेट चरणजीत सिंह को लॉयल सिंबल पार्टी का टिकट दिया। चरणजीत सिंह को वेस्ट दिल्ली लोकसभा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट सिंबल लॉइन को अशोक नगर के सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में सिरोपा और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संत सिपाही विचार मंच के प्रेसिडेंट परमजीत सिंह वीर जी, वाइस प्रेसिडेंट हरि सिंह मथारू, वरिष्ठ पॉलिटिशियन हरपाल सिंह उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में जारी लोकसभा चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस के विधायक रत्न घोष ने सुरक्षा बलों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, मैं हर बूथ पे जा रहा हूँ, मैं सुरक्षा बलों की परवाह नहीं करता। अगर सुरक्षा बल ज्यादा सक्रिय रहे तो मैं महिला मोर्चा से अनुरोध करता हूँ वो झाड़ू उठाएं और उन्हें अपने क्षेत्र से दूर भगाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि गुजरात के चुनाव आ रहे थे वो घबरा चुके थे कि सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही। मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जातीय समीकरण बिठाने के लिए बनाया गया है। आडवाणी साहब छूट गए। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी बेमौसम बरसात के कारण अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा काफी लोग घायल भी हो चुके हैं। बारिश और आंधी के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, जिसकी वजह से तेज हवाएं और बारिश भी आ सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, वो लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो और लालू प्रसाद की कमी को काफी महसूस कर रहे हैं। बिहार के मधेपुर में एक चुनावी सभा के बाद तेजस्वी ने कहा, राजनीति में लालू प्रसाद का कद कितना ऊंचा है वो जीवन भर चाहे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा, वो लालू प्रसाद की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद को जितना परेशान किया जा रहा है, जनता इसका बदला चुनाव में ले लेगी। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में आंधी तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक इससे 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर घायलों के लिए दुख जताया और 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ गुजरात के लिए किया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भड़क गए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अन्य राज्यों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले बांग्लादेशी कलाकार फिरदौस अहमद को गृह मंत्रालय ने देश छोड़ने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने फिरदौस का बिजनेस वीजा भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें, फिरदौस ने टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सिलीगुड़ी के प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। भारत में लोकसभा चुनाव के चलते आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद आतंकी हमला करने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो 22 से 25 अप्रैल के बीच किसी भी दिन आतंकी सुरक्षा बलों के साथ साथ आम नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। आपको बता दें, पुलवामा के बाद देश में कई और बड़े हमले करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा बल काफी सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिनेता रवि किशन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। इस बारे में रवि किशन ने कहा, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी और भ्रष्टाचार और वंशवाद हारेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें, वो कल गोरखपुर पहुंचेंगे। मेगास्टार अमिताभ बच्चन का रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 11वां सीजन शुरू होने वाला है। हाल ही में चैनल ने शो का प्रोमो जारी किया। इस प्रोमो की टैगलाइन काफी दिलचस्प है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रोमो में अमिताभ बच्चन बता रहे हैं कि 1 मई से वो सवाल पूछेंगे। उस सवाल का जवाब देकर आप भी केबीसी 11 का हिस्सा आसानी से बन सकते हैं। चैनल ने इस प्रोमो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ग्लोबल नाउ 24x7 के साथ। नमस्कार।